हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश अपने साथ कहर लेकर आ रही है, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के ऊना के बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर कल ये जो बरसाती नाला है जिसे होम खड कहा जाता है, उसने काफ़ी कहर यहाँ पर बरपाया। और आप देखिए यहाँ पर ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, कल यहाँ की तस्वीरें काफ़ी भयावह तस्वीरें थी, भयानक यहाँ की तस्वीरें थी। पानी जो था इस बरसाती नाले का, वो ओवरफ्लो करके ऊपर तक आ गया था। यहाँ पे जो पुल बनाया गया है, पुल के ऊपर से पानी बहकर पेट्रोल पंप को अपनी चपेट में ले चुका था, और जिसकी वजह से आप देखिए पेट्रोल पंप का नीचे का पूरा जो हिस्सा है वो कट चुका है। नीचे से पेट्रोल पंप की ज़मीन पूरी तेज बहाव जो पानी का था उसकी वजह से कट चुकी है, और यहाँ पर काफ़ी भारी तबाही मचाई है इस बरसाती नाले ने। और यहाँ पर जो आम लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं वो बता रहे हैं कि पानी इतनी तेज़ आया कि यहाँ से निकलने का किसी को कोई वक्त नहीं मिला। कितनी तेज़ पानी आया था, क्या हुआ था एकदम? बहुत तेज़ हुआ था सर। हम लोग तो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, हम लोग तो भागने का दौर नहीं मिल रहा था। हम लोग तो ऊपर इंगल के ऊपर चढ़ चढ़ बैठे हुए थे। हम लोग कितने आदमी फंसे हुए थे, मजदूर आदमी। अब तो जान बच गई किसी तरह से? हाँ, जान तो हम लोग बचा लिए सर, ना तो हम लोग नहीं भागते तो पानी में दह जाते हम ही लोग। तो पानी कितनी तेज आया, मतलब क्या रुकने का मौका नहीं मिला? मौका मैं हम लोग जैसे कंपनी में थे, हेम एग्रो नीचे पड़ता सर, तो कंपनी में हेम एग्रो सामने है, वो जो है ना सामने दिखाई दे रहा है, वो हेम एग्रो है। हम लोग जैसे हल्का सा गेट पर ठोकर मारा, गेट खुल गया। हम लोग जैसे 17-18 आदमी लेडीज था, हम लोग को भागे तब तक जैसे तुरंत भागने का मौका कहाँ दिया, कपड़े लते। और पेट्रोल पंप भी कल हमने देखा पूरी तरह से डूबा पड़ा था पानी में। हाँ, जब हम लोग वहाँ से तब निकलने का मौका नहीं मिला, जब पानी कम आया तब हम लोग यहाँ पर आए, तब देखे। तो पानी का बहाव इस कदर तेज था कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। ये पेट्रोल पंप अगर हम इसमें आपको कल की तस्वीर बयां करें तो यहाँ पर पूरी तरह से पानी की चपेट में ये पेट्रोल पंप आया हुआ था। इसी वजह से आप देखिए नीचे की जो ज़मीन है, जो पेट्रोल पंप के नीचे की पूरी ज़मीन है वो बह चुकी है इस पानी के तेज़ बहाव में। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी तबाही मची है। बरसाती नाले लगातार हिमाचल प्रदेश में उफान पर हैं और इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 16 तारीख तक का अलर्ट अभी भी येलो अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश में बारिश का, जिसको लेकर लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं। और अगर हम हिमाचल प्रदेश के ऊना के बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहाँ पर पानी इस कदर तेज़ बहाव के साथ अचानक पहुँचा था कि लोगों ने किसी तरह से यहाँ पर भागकर अपनी जान बचाई। कुछ लोग ऊपरी इलाके में चले गए, जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उनकी छतों पर जाकर लोगों ने अपनी किसी तरह से जान बचाई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।